तीन चीजें जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट में सीखी। इंटर्नशिप स्टार्ट होने से पहले मुझे नहीं पता था कि माइक्रोसॉफ्ट का मेन कैंपस 50 एकड़ का है, जिसके अंदर अपनी एक लेक है एंड पूरी एक बिल्डिंग है जो पार्किंग के लिए डेडिकेटेड है। तो यहाँ पर आपको काफी सारे स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट लोग मिलते हैं जो आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं। तो पहली चीज जो मैंने सीखी थी ये कि कभी भी अगर हमें हेल्प चाहिए हो तो किसी से मांगने में अशेम फील नहीं करना, एंड लाइफ में जब भी मौका मिले आसपास हमारे जो भी हो उन्हें हमें हेल्प जरूर करना चाहिए। सेकंड चीज जो मैंने सीखी थी वो थी इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। मेरी फर्स्ट एंड सेकंड दोनों इंटर्नशिप्स के बाद हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट होता था इंटर्न्स का, उसके लिए हमें प्रेजेंटेशन देनी पड़ती थी इंटर्नशिप खत्म होने के बाद। अब ये जो प्रेजेंटेशन है इसमें सिर्फ हमारे मेंटर्स नहीं होते, उनका हमारे मैनेजर्स भी होते हैं, साथ साथ और भी सीनियर लोग आए हुए होते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे कम्युनिकेशन स्किल्स के साथ अपने प्रोजेक्ट को कन्वे करते हैं तो वो बहुत ही पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। एंड तीसरी चीज जो मैंने सीखी वो थी स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग। अगर हम अपने सीनियर्स के साथ, मेंटर्स के साथ, मैनेजर्स के साथ अच्छे से नेटवर्क बनाकर रखते हैं तो वो हमें काफी चीजों में हेल्प कर सकते हैं, जैसे एमएस कौन से कॉलेज से करनी चाहिए, एमएस करनी चाहिए, एमबीए करनी चाहिए, या माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ही काम करना है तो कौन सा डिपार्टमेंट सबसे अच्छा रहेगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।